के पहले कब आ? तू कैसे जान गई लुए थे? एक हम ऐसे जान ली है, हमारे पापा भी मिरहा गावल गावल ना गावत रहना भूत परे मर के न कारे हमारे पापा आज भी बतावो ना पहले भी बतावे कहे बेटा उजाला जौने समय धुन के स्वर की राउंड गुरु गा देना इनके दादा कई टिकटी लेके भाग लो तू है माइटर साहब को वाली बात अरे आवा बात के जा रहे साहब हमारे फौजी दुश्मन होकर रोक देते हैं हमारे फौजी दुश्मन होकर रोक देते हैं छुट्टी अपनी संजय कर पना और चला घर से घर से नौ चला कहानी पर गौर करी है बाबू ए अंधी भैया वो पंखा के व्यवस्था पर आप लोग गौर करो बिरहा का मतलब नाच कूद यू कुल्ला ही होला बिरहा का मतलब कान से सुनल जला जब कहानी अगर दिल दिमाग में उतर गई बने यूपी अपने उत्तर प्रदेश जिला झांसी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत संपत के औरत का नाम बा रेखा
भगवान तीन गो औलाद देले हुआ, अब है मृत्युंजय संजय, दू गो लड़कन के बियाह हो गल बा अभय और मृत्युंजय को, लेकिन संजय अपन बियाह ना करत हुआ उनके मन में बड़ा उमंग बा, मैं फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा, जिबिये ना साथ दे भरतिया में जाए वापस लौटिया में। एक दिन बुढ़िया माई कली करे बेटा, खरे संजय तोर उम्र बीतल जात बा, आई बता तो शादी ब्याह कर लेते हमरे जियते तो हमरो आत्मा के संतुष्टि भेटा जात। देखा बाबू, हर माई बाप सोचे हो इच्छा होला कि अपने जियते अपने बिटिया बेटवा का शादी कर ली, पोता पोती के देख ली, माई कबतिया मान के संजय बिहावा स्वीकार कर लन कि संजय का शादी हो गई। आज जब संजय का सदिया भइले भैया, आई देखा घरवा में आती दुल्हीन बन के अइली, बिगड़ल काम बने संजवा के मेहरारू बड़ी सुभागन बाई देवता बा लक्ष्मी बा, चारे छह दिन बीतल रहल संजोग देखा खुली भर्ती निकल गई। संजय गयन आखिरी बार तकदीर अजमावे फौज में भर्ती हो गई। समय बीतल बा ड्यूटी से आना जाना घरे लगल बा, वही बीच में संजय की बीबी आरती को गर्भ रह गया। देखा भगवान का लीला, अब नौवा महीना चलत बा, संजय छुट्टी लेके घरे आई हुआ, बीतले बाबू घरवा में आरती के बेटा पैदा भेल बा, बड़ी खुशी बा, लेकिन यही जे देखा ये फौजी जवान का जिंदगी बा, सीमा से फोन आ जाता है, संजय कुछ फौजियों की जरूरत है सीमा पर चले आइए, फौजी जवान बाबू तैयार होता है करता है क्या, एक लाइन गीत लगल बा, मनोरंजन के लिए ही बिरहा में मैंने गीत लगल बा। प्रमोद भैया कोनो दुरही रहल, का करत रहल का करत रही बता दी, कोनो दुलहीन शूटर बा और कोनो एनही नियर क्रिकेट के खिलाड़ी देवर रहल, हाथ में पल्ला ले ले बा, अब फील्ड में मरले बा छक्का चौका, सिंघा तो कभो ले बा न तो देखलस की भौजैया कौन का शूटर है, ऐसा दरवाजा खोल के सुतल रहल, देवरवा गयल मारे मजाक में, वही पाटवा के मुठियावा के पीछे में खोद दहल है, तू का करत रहलो जी फोटो खींचत रहनी पागल, ए बगलिया में भौजैया के बैठवा से प्रमोद भैया से खोद दलस, भौजैया चोर से चिउकल कले ए देर बगुआ का इतना मोट लगावत हो, कैसे कहे कले ए देर बगुआ कोई तोर कोन आदत बहु सुतले में तू यार छुएला आवा त आज तोरे भैया के नो पकड़ के गणसा कटवाई, का कटवाई वो बैठवा के मुठियावा, कहे सुना आवे त अपने भैया के तमरे देवरवा लगल न जाए, प्लास्टिक नियर लगल बटुरे बटुर की कहत बका कोले बा, अरे सुन भौजी, ए भौजी का करबो
बड़ी बिजोर गीत लगल मास्टर साहब। यह गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने अंदाज में बड़ा लहाई के गावे। जो उन्हें बिरहा में रामदेव गुरु को धुन ना लगल, वो बिरहावे अधूरी रह जाले। स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने अंदाज में गावे कि हमार अंदाज में मली साधु ढोलक वादक और साथ साथ में कभी भी है इनका चेहरा काहे समरे दादा वो कहाँ के लोग बिरहवा का फरमाइशिया आज सीमा पर तैनात है। आनी ने भटके पावे कहाँ पहुँचे कहानी फौजी जवान सीमा पर तैनात तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में उसी नदी के रास्ते घुसना चाहते थे। जैसे ही आप लोग के बगल में नहर बा और वहां से कोई एक पारे पार करे चाहे तो इधर वाले देख लेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान के जवान तब तक देख लेते हैं कि ये पापी पाकिस्तानी है
हमारे हिंदुस्तान में घुसना चाहते हैं। बर्बाद नहीं किया, उठा लिया हथियार और संजय कदम आगे बढ़ाया। तो भैया का बैठक आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुसना चाहते थे। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान हाथ में हथियार है, संजय कदम आगे बढ़ाया, निशाना साधकर पांच आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दो बचे हैं पापी पाकिस्तानी, कहां से कैसे मेरे बाबू। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। वे छुप जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं, सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान बिंडेट बाड़ी का दाह हुआ, 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। शौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले, जो सबसे ज्यादा अपने हैं, बिरहवे भैया हमार पीर से करुणस में आ गई, मोड़ ले रस। जरा ध्यान दीजिएगा, फौजी जवान के गोली लगल, अपने आप को बहुत संजय संभाला, लेकिन शरीरीय बैलेंस से बिगड़ गए। अब फौजी जवान नदिया में गिरले डूब गए हो बाबू। अरे फौजी जवान डूब गए तो भारतीय सेना लगातार कई दिन उस नदी में खोजते रह गए, लेकिन मेरे बाबू लाश नहीं मिलती है। तो भारत सरकार शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। संजय के घरवा पर भैया हो, लाश ना गई काहे कि लसिया तो मिलबे ना कई। सिर्फ एक संदेशा जाता है कि आपका बेटा संजय शहीद हो गया। ए भैया हो, घर के लोग नाम लेके आप संस्कार कर देते हैं, और जब अंतिम संस्कार हो गया तो फिर जैसे ही तेरे ही आजबाना ऐसे तेरे ही बीत गई संजय कर। तेरे ही बीतले के बाद भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राश एक चेक मिलता है। वो किसके नाम मिला? जो विधवा है, आरती है। जब आरती के नाए बाबू 10 लाख रुपया का चेक मिलल हो, अब यह तो घरवा में जहर का बीज बोवाए गल। प्रधान जी गौर करिएगा, जहर का बीज ऐसे बोवाई, पूरे परिवार का बिचारे बदल गल कि हमार संजय शहीद हो गयल। पूरा परिवार के दिल दिमाग ने सिर्फ 10 लाख रुपया नाचत बा। एक दिन आरती का ससुर संपत बड़े प्यार से कोठरी में बुलाई के भैया हो कि है, कोठरी में अंदर से दरवाजा लगा देता है वो पापी। एक प्रस्ताव बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जा रही। अब बंद करके करत कहूं मास्टर, गीत बड़ी प्यारी लगल बा। केहू गीत के राम ने गुरु गावत रहन कैसे कहे ठिकोरी कहत रे असा सोता गिरा वाली।
दौली की बिरहा हमारी करुण रस में आ गई। वो आरती का ससुर संपत इमोशनल अत्याचार करत हुआ कहत होगा शहीद हो गया बेटा, बहुत दर्द है। लेकिन जब झगड़ा परिवार में चल रही है ना, यही इमोशनल अत्याचार कुछ रहेगा तो परिवार में अब है मृत्युंजय, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। अरे बाप रे बप्पा, कहो बाबू भैया 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 टूट गई आरती है, इसे हथवा जोड़ के शरीरिया कांपत बाय अपने ससुर के पैरिया पर गिर गई। गिर के बाबू हो ऐसा बात कहले जो कलेजा पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। बड़ी ऊंची बात कहत है, का कही कि है राम शकल याद कर याद हो जी कहना है आई माली। अरे रुपया तो क्या लऊ का बाबू जी आरती कली बाबू, अरे आपको 10 लाख रुपया दिख रहा है, मैं विधवा लाचार, मैं क्या भगवान का बिगाड़ी थी, इतने कम उम्र में मैं विधवा बन गई। बाबू मैं जी रही हूँ लेकिन एक लाश बन के जी रही हूँ, जीने की हिम्मत नहीं है। अरे भैया वो विधवा कैसे जी पाई हो, हाई रेखा है तना उम्र में जो हम बिरहा गवतल जो उन्हें परिवार में आप लोग भी आ लला तेरे ही खाए बदे तो पिताजी गुजरन लला नहीं बिता पाती विधवा, अभी बेचारी रोती है। और तब ले भैया गजब हो गया, अच्छा गजब का भैया कौन ढंग का भैया, ए अंधी भैया ध्यान करी बाबू, आरती का ससुर करत का हुआ बैठे साहब। आरती का ससुर एक प्लान रचा, हाय हाय हाय, कहलस की आरती के मारब बहुत आसान बा, अगर आरतिया के ना मारल जाई तो 10 लाख रुपया आरतिया के पास ही रह जाई। देखिए यही है इंसानियत। अब 1 लाख रुपए में 4 गो बदमाश को खोजता है वो संपत पापी, वो बुढ़वा जो आरती का ससुर है, 4 बदमाश वही नहरी के पुलिया पर बैठे में आरती जा रही थी दवा के लिए, उसका बेटा बीमार था और सोच गया पापी की आरती अपने बेटा को लेकर के आएगी, इसी परिवार में रहेगी और 10 लाख रुपया उसके पास ही रह जाएगा। जब चारों बदमसवा बाबू आरती के नहरी के पुलिया पर पौलन हो तो तमाम लोग आते जाते हैं, एक बदमाश पहचान गया और आवाज उठा दिया, एक्सक्यूज मी मैडम क्या आप आरती हैं? आरती बोली हाँ हाँ भैया मैं आरती हूँ, आपका पति संजय शहीद? आरती बोली हाँ भैया हाँ हाँ। आरती तो ये समझ गई कि लगत बा हमारे पति के लोग दोस्त होंगे, हमार मदद करी है, लेकिन हे भैया मदद का करी है हो? तब ले वो पपीवा चढ़ गई ऊपर से
ऐसे चढ़ के आरती का मुहवा पपियावा इसे पकड़ लग आवाज ये बंद तब ने दूसर का पापी आरती का हथवा इसे पीछे चढ़ा दलस और नहरिया से उतरते रोड कटल बा दोनों तरफ रहरी का खेत रहल और वही खेतवा में ले जाए को पपियावा सब पटक दल है और पटक के लातर मुक्कर मारत हुआ है प्राण हो निकलत ना हो आरती रोवत है का रोवत ही का कहती मैटर सर शौका से नरवाजे कर चिंदला गोसाई आया चिंदला गोसाई आहो परिमा का कर लेके तू मारती डेंगू भायल बा अमरे आलर तू गाना के आलर तू गाना के लाला चारू रखी कहाँ जा रखे डॉक्टर के देवे खातिर चेकअप करावे खातिर चेकअप करावे खातिर लाला नीरो पाया हूँ भारती शनुराता उतरल होया होती है अरे भैया मत मारिए बहुत चोट लग रही है मैं कई दिन की भूखी हूँ मैं सच कह रही हूँ भैया मेरा बच्चा है हॉस्पिटल में मरती है अगर मैं मर जाऊंगी ना मेरे परिवार के लोग मेरे बच्चे को देखने तक नहीं जाएंगे मेरा बेटा हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मर जाएगा भैया मत मारिए फिर भी उन पापियों को दर्द नहीं आती है मारते हैं लेकिन बताया जाता है मेरे बाबू बचाने वाले मारने वाले से बचाने वाली की बांह लंबी हुआ करती है उसी रास्ते से फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था अचानक उसके मोबाइल पर फोन आया बोला हेलो तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज फौजी जवान समझ नहीं पाया बोला भाई फोन रख तो रख दिया और इधर उधर जब देखा तो अरहर के खेते में बाबू एक औरत पर चार पापी झूठे हुए थे मार रहे थे कंधे पर बैग था निकाल कर फेंक दिया तोड़ गया फौजी जवान तब ले चारों बदमसवा आरती के छोड़ के चार दिशा में हो गई लड़ी गया फौजी जवान एक बदमाश कहीं कालर पकड़ा और घसीटते हुए लाया लिया के आरती के बगलिए में उठाए के पटक के ठेबुनवा लगाए के छतिया पे और देहल चार के हुई लगना 100 रुपया की नफर फर फर आपको यह से गजार अवे लगल उठा बदमाशा करो रहली बदमाश लेकिन एक रही इंसान बन गई ये औरत है आरती इनका पति संजय सही और ये बाप रे वही संजय क्या जो मेरे साथ रहा था चारों बदमाशा कर इनकर ससुर संपत जब इनकर पति सहित महिला इनके 10 लाख रुपया मिलल बा 9 लाख इनकर ससुर ली है 1 लाख महन के दी है जब आरती के और आरती के बेटा के मार दी हल गई तब फौजी जवान समझ सुरक्षित भिजवा दूंगा तो एक ना एक दिन आरती को ए आरती का ससुर मरवा डालेगा दिमाग का गया फौजी जवान बोला सुन भाई मैं भी जान मारता हूँ मुझे भी जान मारने में बड़ा मजा फेंकूंगा कि कोई पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा तुम लोग चारों जाना संपत से 1 लाख रुपया ले लेना चारों बदमसला गैला ये बाबू संपत के दुआरे और संपत ही दुआर में संजोग से बैठे लगे चारों जाए के पर हम बाहर वाले से कहते हैं कैसा ये देखें 151 रुपए का बसमर बिहार दूमी दौर आप लोग समझी अब हो ही देखा चारों बदमसला गैलन अब 1 लाख रुपया बुढ़वा से मांगत वक्त की आरती मर गई बुढ़वा कलश
पीछे से कलश इशारा कलश की पीछे से घर में आवा। आ जब चारों बदमसवा घरवा में गयलन तो बुढ़वा हाथ गोर धोई के बकायदे जात तो बुढ़िया से कहत का बा ए बुढ़ा देखलु ना नया लड़का रहा सो बड़ा सफाई से काम कहना है अर्तिया की अर्तिया मर गई बुढ़िया कहला साचो बुढ़ू अर्तिया मर गई कहे अरे नानी जल्दी से 1,00,000 रुपया ले आई के दा नहीं तो भेदवा खुल जाए चाहला। अब बुढ़िया वो पपिनिया जाई के मुस्कियाई के बक्सा खोलतियो हमारी माताएं बहने बैठी है जरा आप लोग सोचिए अगर ही है कांड वो बुढ़िया के बिटिया के साथ भेल हो एक घंटा में 8 दिन बेहोश हो अब हॉस्पिटल में रह खोल 1,00,000 रुपया निकाल के और चरहू बदमाशन के दे दलस चारों बदमाश 1,00,000 रुपया लेके प्रधान जी नौ दो बंगला 9-2-11 हो गई हाँ चाचा जब 9-2-11 हो गया चारों बदमाश धीरे धीरे समय बीतल बुढ़वा बड़ा खुश बा अर्तिया मर गई अब हमारे नाये 10,00,000 रुपया ट्रांसफर हो जायी यहाँ को बतिया आप लोग छोड़ा तली से दिमकवा वहाँ ले चला जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल है जहाँ नदिया में डूबल हो आल्हा कराई मास्टर साहब की बात बता रहा हूँ उस नदी में एक हिंदुस्तान तो ध्यान से देखा साहब तो हिंदुस्तानी वर्दी तो थी लेकिन एक गोली लगी थी कंधे में हल्की हल्की सांसें चल रही थी साहब मैंने देरी नहीं किया ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया आराम हो गया है वो अपने परिवार से मिलना चाहता है बारे फौजी जवान पहुंच गए हॉस्पिटल में मीडिया के लोग पहुंच गए टीवी पर दिखा रहा है जो संजय शहीद हुआ था वो जीवित मिला हॉस्पिटल में मिला कर सैनिक सम्मान के साथ संजय के परिवार में संजय के घर ले जाकर के भेंट मुलाकात करवाया जाएगा टीविया पूरा हिंदुस्तान देखत रहल है देखा टीविया पे बुढ़िया कहले का ये बुढ़ऊ ये हमर पे गंदा गंदा फोटो देख लहो अरे तेरे शर्म न लगल टीवी पे चक्कर मारवा बुढ़िया गुस्सा थी तो बुढ़वा का कहा था अरे नानी जल्दी से आवो नहीं तो सीनिया चल जाए चाहे ले तब का देखबो आज के बुढ़िया चश्मा लगाई के देखा थियो तो हमारे संजय मती कौनो लगत बा बुढ़वा कला चिन्ह तिना हो नाखिया फुट गई है तो हा लौकत ना बतोरे बेटवा संजैया बा अरे बुढ़िया केहू को कुछ बिगड़ ले ना रहली रे तोरे घर तक कुल लक्ष्मी तैयार तिया ना रहल अरे अर्तिया मर गई घर में कुल खुशी है बा लगल देखा बिरहा के सुने वाले भैया जब अर्तिया को बियाह भयल संजय नौकरी पौलन तो अर्तिया घर का लक्ष्मी रहल
आज जब संजय शहीद हो गई तो अर्तिया कुलक्ष्मी हो गई। बुढ़वा का नियत देखा, कलश पहली खुशी अर्तिया मर गई, दूसरी की खुशी 10 लाख रुपया हमारे नए ट्रांसफर हो गई हुई, और तीसरे की खुशी बुढ़िया, अरे बेटवा देख जियत मिलल फिर रुपया कमाई, और चौथ की खुशी ने बुढ़िया बेटवा का ब्याह कर वेदा पारी नो। निम्मल पतो लिया है दोनों जने काम बढ़िया से चली रे। अरे केकर हो वही दोनों जने केकर बूढ़ी बूढ़ा तेर पानी लगाई लेके तू लगवाई है का देख बुढ़िया, अब की ब्याह कर संजय्या को ना ऐसा दहेज लेब की जमाना देखी बाबू हो कल हुआ। जब कल भर सैनिक सम्मान के साथ संजय घरे अलन ऐसे ही मंचवा लगल हो सब बैठल हो, जैसे आप लोग आये हुआ बिरहा सुने ना ऐसे पूरे क्षेत्रवा का भिड़िया उमड़ गई संजय के देखे बदे कि जो संजय शहीद था वो जीवित मिला, आखिर कैसा होगा जवान संजय बैठा मीडिया वाले सवाल प्रथम। अरे संजय अपने अंदर की फीलिंग बताइए, आपको परिवार मिला, समाज मिला, जीवन दान मिला, कुछ तो बताइए। अब संजय का बताऊं मैं, का भाग सारे पहले में हरा रुख हो जाता कुल है संजय ऐसे भी सत्ता कर। अब बुढ़िया माई समझ गई कि संजय का यहाँ का खोजत है, कहा लसाई के पकड़ के कवारी में लाल। संजय का माई कहा यहाँ अखिया जेके ललऊ खोजत बोकर अखिया तो के ना खोजलस हो ही रहू, तेरे हिये तभी तउलस हो लाल, 10 लाख रुपया का पौलस उछल गई कोनो मर्दे के साथे भाग गई। अरे बाप रे बप्पा, जो फौजी जवान इमोशनल में था तेवर में आ गया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब संजय के का पता कि हमार माई मंथरा को रोल अदा करत है, भवले गजब हो गयल। अब गजब का भेल बिरहा का आखिरी लाइन हमारा बा, ऐसे जनतवा जुटल बा, वही जनतवा में से एक ऐसा आवाज आई जो करजबे के चीर लहलस। वो आवाज केकर रहल कैसन रहल मास्टर साहब, आप बड़े भैया सुभाष यादव समैया कलही हमारे मांगी का सिनुरवा जियत बया बही। अरे जोर से आवाज आई सैया सैया सैया, अरे पूरी पब्लिक ये पीछे मुड़ के ताकल, अरे कौन पागल औरत है जो सैया सैया कह के चिल्ला रही है। अभी स्वागत आप ही के ले रही है 2000 रुपये का पुरस्कार दे करके, सुंदर पुष्पहार 1 साल और पुनः दूसरा, लेकिन बुढ़वा संपतवा उचीन गया कहना है, अरे बाप रे बप्पा ये तो बड़ा गलत कैलस, चारों पपियवा 1 लाख रुपया भी लगे लन, अर्तिया के जियते भेज दाना पहुंचा दवा। अरे बाप रे बप्पा पेट का बहाना लगाए कि बुढ़वा 9, 2, 11 1 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जा रही सब भाई के नमस्ते प्रणाम, इन लाइन मैन हूँ। अरे लाइन मारे ना बुढ़िया देखा जी कह जी कहो आरतिया है बा की आरतिया की मौसी की लड़की खड़ी हा बुढ़िया अरे लाल हो लाल इटनिया मानी ना इटनिया राय गई फिरो तो खाई ललऊ आई है कही के बुढ़िया धारा चिकिरल आरती जब करीब में आई अपने फौजी सैया के पैरवा पे गिरल चाहत है तबले भैया का मास्टर साहब जी।
होश मेरी कहली पति देव, आप हमें चिन्हत ना रहला। एक मिनट भैया तनी ले ले।